ਇਸਨ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਇਕਾਂਗੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 2 ਡੇਸ ਤੋਂ ਸਿਰਜਣਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿਰਜਣਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਾਈਨਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ वार्तालाप नूं सुन के चार क्वेश्चनां दे आंसर देने हन वन मार्क ची इस तरह ही पेपर च पहरा आएगा 40 पूरे 40 किले पहली है ते शैलर जान मार के बचाए है मैं शरीकां तो हुण तक इन्हां नूं संभालण वाला चाहीदा नाले अगे बैठी नहीं छाती ते एक दाज विच नहीं देने तेरियां धीआं दे मैं समझी ना फस्ट क्वेश्चन जतिन यह 17 किस इकांगी विचों हन यह 17 सिरजना इकांगी विचों हन बीजी ने सिरजना नू कहे हन फर्स्ट क्वेश्चन इज यह 17 सिरजना इकांगी विचों हन सेकंड क्वेश्चन इज यह शब्द यह 17 सिरजना इकांगी विच इस तरह नहीं लिखना पूरी 2 लाइन सिरजना इकांगी विच बीजी ने जो कि सस दे रूप विच अपनी नू सिरजना नू आखे हन यह भी कहना है बीजी ब्रैकेट विच सस यह शब्द पूरे सेंटेंस देने हन आंसर क्योंकि यह एक क्वेश्चन बन के आना 4 नंबर का लिसन 4 पार्ट्स बन के आने हैं 4 नंबर दे ये अलग अलग क्वेश्चन नहीं आने तो अनु समझ आ गई एक लाइंस दी हैं ये अकॉर्डिंग 4 पार्ट्स दिते होने हैं थर्ड पार्ट है इस वार्तालाप अनुसार सस दी किन्नी जायदाद है किन्नी जायदाद दी मालिक है इस वार्तालाप अनुसार पहले क्वेश्चन वाली फॉर्म लिखोगे इस वार्तालाप अनुसार ता सब्जेक्टिव बनना है 40 किले पहली दी मालक है ते एक शैलर दी मालक है शैलर दी मालक है चावल बनाने दी मशीन है चावल बन दे ठीक है चावल निकल देने जिवें चावलां दे शैलर हुंदे है ना अलग अलग कई चीजा दे शैलर होंगे ठीक है यस बेटे प्रतीक्षा एनी डाउट प्रतीक्षा मैम मैंने आंसर करना था लास्ट ओके बच्चे ओके ठीक है बेटे फोर्थ पार्ट इस सास अपनी नू तो किस गल दी मंग करती है सास अपनी नू तो एक पुत्र दी मंग करती है जो पूरे 40 किले जमीन दा मालक बने 40 किले जमीन 40 किले पहली अते शैलर नू संभाल सके ठीक है इस तरह लिखो 40 किले पहली ते शैलर नू संभालने लिए किसी मांग कर दी है पुत्र दी मांग कर दी इस तरह भी क्वेश्चन मन के आसे जरूरी नहीं बैक एक्सरसाइज चेंज होके भी क्वेश्चन आ सकता के शैलर नू संभालने लिए ते 40 किले पहली नू संभालने लिए किसी ओ इच्छा रख दी है पुत्र दी अगली वार्तालाप ओ भी ऑलरेडी आपा लेसन दी रीडिंग कर चुके हां ओ हो तू एनी कु गल लई मेनू फोन कर देता तेनू पता है ऑफिस विच किन्नी जरूरी मीटिंग चल रही है नाले जे बीजी कह रहे ने तो ठीक ही कह रहे ने तू कर ले जिवें ओ कहंदे ने मैं बिजी हां इस वेले आपां कल दी क्लास से रीडिंग कर चुके हां एदे भी 4 पार्ट्स एक एक पार्ट दा आंसर ध्यान नाल सोच के दियो फर्स्ट पार्ट सेम ये 17 किस इकांगी विचों हन
सिरजना पाली भुपिंदर दे एकांगी, एक लेखक का नाम भी लिखना है, पाली भुपिंदर दे एकांगी सिरजना एकांगी विचों हन। यह शब्द किसने किसनू कहे, यह शब्द सिरजना दे पति कुलदीप ने फोन दी आवाज वेच सिरजना नू कहे, अपनी पत्नी सिरजना नू कहे फोन उत्ते। ठीक है, यह शब्द सिरजना दे पति कुलदीप ने फोन सुनन समय अपनी पत्नी सिरजना नू कहे। थर्ड क्वेश्चन इज, कुलदीप अपनी पत्नी सिरजना वालों आए फोन ते नाराज क्यों सी। कुलदीप अपनी पत्नी सिरजना दे आए फोन ते नाराज है क्योंकि जिस समय फोन आया है उस समय उसकी जरूरी मीटिंग चल रही है, क्यों? इसलिए उसनू लगता है कि उसने मामूली जी गल पिछे, एक स्कैनिंग दी गल पिछे, स्कैनिंग दे लई उसनू फोन करके परेशान किया, जबकि उसनू बिजी दे कहे अनुसार नहीं। ये अगले क्वेश्चन च करांगे। कुलदीप इसलिए नाराज है क्योंकि जिस वेले उसकी पत्नी सिरजना का फोन आया उस समय वह मीटिंग विच रुझा होया ते उसनू लगता है कि इस समय जरूरी समय उसने मामूली जी गल करके उसनू परेशान किया, ब्रैकेट विच स्कैनिंग दे करके, जो कि बीजी की जिम्मेवारी लगाई है उसने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुलदीप अपनी पत्नी बीजी की केड़ी गल मनने लिए कहता है। कुलदीप अपनी पत्नी नू, पत्नी सिरजना नू बीजी वालों कही हुई गल अर्थात स्कैनिंग करवाने वाली गल मनने लिए कहता है। कुलदीप अपनी पत्नी सिरजना नू बीजी वालों कही गई गल स्कैनिंग करवाने की गल बीजी वालों कही गई स्कैनिंग करवाने की गल मनने लई कहिंदा है ते नाल ही समझौंदा है कि सब बीजी की जिम्मेवारी है ते तेनू उन्हां दी गल अनुसार चलना चाहिदा है। हुण आपां लास्ट पेज एक बारी रीडिंग कर लिए बेटे, फिर आपां टेस्ट स्टार्ट करदे हां। डॉक्टर दी वार्तालाप सेकंड लास्ट पेज। इसलिए मिसेस सरजना क्योंकि यह समस्या सिर्फ तुहाडी नहीं पूरी सोसाइटी दी है, आपां इकल्ले सोसाइटी नू नहीं बदल सकते, होरां नू भी आपां वांग सोचना चाहीदा है। सरजना मैं भी कुछ बदलन की कोशिश नहीं कर रही, डॉक्टर साहब मैं तो सगों अपने आप नू बदले जान तो बचा रही हाँ, मैं मां मेरा कर्म है उसकी सिरजना ते मैं किवें अपने हथी ही सिरजना नू कतल करके मां तो डैन हो जावा। एक सिरजना मुख पात्र है, दूसरे सिरजना का मीनिंग की है, दूसरी सिरजना का मीनिंग की है, बच्ची की सिरजना कर रही है अंदर, बच्चे की सिरजना। ठीक है, अगला पैरा समझो, वही क्वेश्चन है, इकली रह जाएंगी इकली। बीजी कहते हैं कि जे तू साडा कहना ना मनिया अगो की कहती है, वह वार्तालाप अगला क्वेश्चन है। इकली तो मैं सी बीजी, हुन तक मेरे नाल मैं हाँ, अपनी कुख ते हथ रख के कहती
सिरज मेरी सिरजना जड़ी सिरजी जा रही है अंदर कुख विच पल रही है। तुसी देखना एक दिन यह सिरजना एक रुख बन के इस धरती उत्ते पुंगरेगी। जड़ी अंदर बची है ना कुख दी रुख नाल तुलना कीती है। देखो आवाज बुलंद कीती जांदी है किन्नू बचाना है कुख रुख नू बचाना है। एक मेरे अंदर जड़ी सिरजना हो रही है ना वो एक दिन तुसी देखना सारे रुख बन के धरती ते पुंगरेगी मौलेगी। मौलेगी मीन्स खिड़ेगी आसमान तक उच्चा उठेगी मीन्स बुलंदियां नू छुएगी जिंदगी दियां तरक्की करेगी। एना मतलब कुड़ियां भी मुंडिया नालों पिछे नहीं हन। फिर वो लोग सिरजनावां करके शर्मिंदा नहीं होंगे। सिरजनावां मीन्स पैदा करके शर्मिंदा नहीं होंगे सगो उन्नति मान महसूस करेंगे। फिर कदे भी कोई सिरजना कुख विच कतल नहीं होवेगी। कदे भी कोई बच्ची कुख विच कतल नहीं होवेगी। एक पल लई हर कोई खामोश हो जाता है हर कोई उदास है। कुलदीप आ जाता है उत्थे कुलदीप दे चेहरे ते मुस्कान है कि मेरी पत्नी जो कह रही है सच्ची है। वो हुण कुलदीप है जिहड़ा अपनी पत्नी का साथ देगा। बीजी लिसन दीपे तू आ वेख लै पुत्र की तमाशा करी जांदी है। वो आ गया ना ते उनू बीजी कहंदे है सास की कह रही है कहंदी है देख लै की तमाशा करी जांदी है। कौन सिरजना लोकां सामने जुलूस कढ़िया होया ने जिवें जिहड़ियां ससां रोब दाब नाल बोलदी कहंदी इन्हें साडा सारी सोसाइटी जुलूस कढ़ के रख दित्ता है। सिरजना अगो कहंदी सॉरी दीप अपने पति दी वह रिगार्ड करदी कहंदी सॉरी दीप मैं अजिहा करना नहीं सी चाहती मैनू मजबूर किया गया। आवाज तू क्यों सॉरी फील करदी है सिरजन सॉरी तो मैनू महसूस करनी चाहती है जो फैसला मैनू करना चाहिए सी तेनों करना पिया। सिरजना जिवें विश्वास ही नहीं सी हो रहा कि यानी दीप भी बदल गया। हाँ सिरजन तू जो किया बिल्कुल ठीक किया है जे तू भी वह कर लेंदी जे सारे करते ने फिर तू भी एक आम औरत ही होंगी। खुशी है मैनू मेरी जीवन साथन कोई आम औरत नहीं तू है। हुण खुशी भरे हंजू ओहदे दीप दे अखां चो भी निकलदे ने। दीपे की तू कह रहे है कौन बीजी कह रहे है बीजी सिरजना स्कैनिंग नहीं करवाएगी और जो भी आएगा जी असी रखन लई तैयार हाँ। पर पुत पूरे 40 किले जमीन किले भी सांभे जाणगे सानू कोई फर्क नहीं पैंदा। दीप ते सिरजना क्लीनिंग तो बाहर निकलते ने बीजी देखते ही रह जाते हैं। एदे अकॉर्डिंग लास्ट क्वेश्चन बेटे ऐ पैरा जिहड़ा पढ़िया एदे अकॉर्डिंग क्वेश्चन ए सत्रह किस इकांगी चो ने सिरजना इकांगी चो ए शब्द किसने किसनू कहे ए शब्द सिरजना ने बीजी नू कहे। सिरजना ने सिरजना शब्द किस लिए वरत्या सिरजना शब्द आने वाले बच्चे लई वरत्या है। लास्ट इस वार्तालाप विच सिरजना समाज नू सुनेहा दिंदी है कि बच्चियां नू कुख विच नहीं मारना चाहिदा ओह वड्डियां होके समाज विच अगे वधणगियां उच्चा रुतबा हासिल करनगियां। यस बेटे बी रेडी फॉर टेस्ट। Second question, A set. Tara Petkis from Coach Rehasi. Thank you.
Yes, बेटे literature के according 6 questions ने जड़े तुसी attempt करने हैं, उसके बाद grammar के मुहावरे हैं उड़ा तो आप each question for 1 marks मुहावरियां दे अर्थ क्वेश्चन मीनिंग दसनी है बेटे
Next one is only third question kitna. Ninth question, arth da muhavra. अर्थ का मुहावरा लिखो. नाइंथ क्वेश्चन, थोड़ा भूता खान वाले नु थोड़ी चीज देनी. इधर है काफी धन जमा कर लेना. अर्थ का मुहावरा. लास्ट क्वेश्चन, अर्थ समझ के बात बनाओ. समझना बात बनाना, अर्थ नहीं लिखना. लास्ट क्वेश्चन, अर्थ स्पष्ट करके, स्पष्ट करते हुए. सिर्फ मुहावरा देता है, बात बनाना कि अर्थ स्पष्ट हो जाए. लास्ट क्वेश्चन, 10 नंबर, बात बनाओ. ओनली बात, बात बनाओ. मुहावरा दिता उसका बात बनाना है. मुहावरा देन लगी है बेटे. उल्लू सीधा करना. अर्थ दस के बात बनाओ. चलो अर्थ दस के बात बनाओ. उल्लू सीधा करना, अर्थ दस के बात बनाओ. नेक्स्ट है उच्चा धीमा बोलना. अर्थ दस के बाद बनाओ. अर्थ दस के बाद बनाओ. थर्ड क्वेश्चन, बी सेट सरपंच का की नाम सी. बी सेट सरपंच का की नाम सी. फोर्थ क्वेश्चन, सेट ए घर के पिछले पासे किसकी आबादी सी. बी सेट फोर्थ क्वेश्चन, किसका घर ढह गया सी. फिफ्थ क्वेश्चन, दरबारे वाली कंध कदों तो कच्ची सी. फिफ्थ क्वेश्चन, सेट बी कंध बनाने की कितनी मजदूरी सी. सिक्स क्वेश्चन, दरबारा सिंह कपूर सिंह का की लगता सी. बी सेट दरबारे नु केड़ी बीमारी सी. सेवंथ क्वेश्चन एंड एट्थ क्वेश्चन, मुहावरिया दे अर्थ दसने हन. बोथ ऑफ द सेट. उफ ना करनी, उग सुकना मिलना. बी सेट उजाड़ मलनी, ओड पोड करना. नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, अर्थ दिता होया मुहावरा लिखो. अर्थ दा मुहावरा, ए सेट ओता खान वाले नु थोड़ी चीज मिलनी. बी सेट काफी धन जमा कर लेना. लास्ट क्वेश्चन विच सिर्फ भावे वाक बना लो ते अर्थ भी नाल स्पष्ट कर दोगे ता वैलेंट हो. उल्लू सीधा करना दा वाक बनाना है. बी सेट दे विच उच्चा नीवा बोलना दा बात बनाना है. ठीक है बच्चे, नाउ डू योर टेस्ट ऑनेस्टली एंड क्विकली. टेन मिनट का एक ऐसी मैं बी क्विक बेटे. और कल दी क्लास विच आपां राइटिंग स्किल करनी है. ठीक है बच्चे, ग्रामर बुक लेके आनी है सब बच्चों ने.